हेलो गाइस, कैसे आप टेनिस बॉल को स्विंग कर सकते हो। मेरे बहुत भाइयों का क्वेश्चन आता है कि भाई हम कैसे स्विंग कर सकते हैं टेनिस बॉल, तो आज मैं उन सभी भाइयों का क्वेश्चन का आंसर दूंगा कैसे आप स्विंग कर सकते हो, स्विंग होगा भी या नहीं। मेरे हाथ में दो बॉल है, एक लेदर का बॉल है और एक टेनिस का बॉल है। दोनों बॉल में क्या फ़र्क होता है, कैसे स्विंग होता है टेनिस का बॉल और लेदर का बॉल, पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद आप 100% बोल रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कैसे बॉल कटता है टेनिस का बॉल, सामने से कैसे कटेगा, अंदर बाहर कैसे होगा। क्योंकि अगर आपका बॉल कटेगा नहीं तो विकेट नहीं मिलेगा, अगर बॉल आपका कटेगा पड़ के उसके बाद ही आपको विकेट मिलेगा। इस वीडियो के बाद आप महारत हासिल कर लोगे अपना टेनिस बॉल में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। टेनिस का बॉल स्विंग होता है या नहीं, तो गाइज मेरे हाथ में दो बॉल है, एक आपका लेदर बॉल है एक आपका टेनिस बॉल है। गाइज लेदर बॉल का स्विंग होने का कारण हमारा सीम होता है, जैसे हमारे पास ये लेदर बॉल है इसमें सीम है, ये कारण होता है, ये हवा में बॉल स्विंग होता है, हवा में इधर और उधर होता है। आपका देख सकते हो टेनिस बॉल में कुछ भी सीम नहीं है, सिंपल बॉल है, कुछ भी स्विंग नहीं है, तो इसका स्विंग कैसे कर सकते हैं, तो गाइज ये स्विंग नहीं होगा, ये आपकी हवा अगर ज़्यादा चल रही है हवा के कारण स्विंग हो सकता है, बाकी ऐसे स्विंग नहीं होगा। अगर आपकी हवा चल नहीं रही तो सिंपल ये स्विंग नहीं होगा। तो होगा क्या, कटेगा कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कटेगा कैसे। तो गाइज इससे आप कटर लगा सकते हो, ऑफ कटर और लेग कटर, उसके कारण आपका पड़के बॉल कटेगा सामने से बैट्समैन के, आप सामने से डालोगे तो पड़के कटेगा, लेग कटर और ऑफ कटर। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लगाओगे लेग कटर और ऑफ कटर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कटर के बारे में। ऑफ कटर में आपकी ग्रिप सिंपल ही रहेगी, जैसे आप सेम बॉल में रखते हो, जैसे आप लेदर बॉल में रखते हो, ग्रिप में आप चेंज नहीं करनी है टेनिस बॉल से, आपकी सेम ही रहेगी जैसे ये देख रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका सारा रोल फिंगर्स का है। अगर आपको टेनिस बॉल काटना है तो आपका फिंगर का रोल है, जितना अच्छा आप फिंगर रोल करोगे टेनिस बॉल से उतना आपका बॉल कटेगा, अंदर बाहर उतना होगा। तो ऑफ कटर के लिए आपको सिंपल क्या करना है, ऑफ कटर का मतलब आपका पड़के अंदर आएगा, बॉल का स्पीड सेम रहेगा, सिर्फ आपको रोल करना है, जितना अच्छा आप रोल करोगे उतना कट के अंदर आएगा। ये आप ट्राई करना फिर मुझे बताना, आपका सिंपल ऐसे रहेगा और आपको सिर्फ फिंगर रोल करनी है, ऐसे सेम जाना है और सिर्फ रोल करना है हाथ से। आप जितना अच्छा रोल करोगे, जितना अपना फिंगर टच ऐसे रोल करोगे, टच करोगे अपनी बॉल से, ये नहीं कि आपने जाके ऐसे छोड़ दिया वो सीधी चली जाएगी, आपको रोल करनी है ऐसे, जितना अच्छा रोल करोगे उतना अच्छा बॉल कटेगा। लेग कटर डालना गाइस थोड़ा हार्ड है, ऑफ कटर थोड़ा ईजी पड़ जाएगा क्योंकि सीधा ऐसे घुमाना पड़ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, और लेग कटर थोड़ा हार्ड है। इसमें आपको सीखो कैसे, तो गाइस जैसे आप बॉल डालते हो अपना सिंपल बॉल डालते हो, आप जाके सिर्फ आपको रिलीज करनी है और आपको ऐसे करना है। ऑफ कटर में आपका ऐसा हुआ था, लेग कटर में आपका ऐसे हाथ होगा ऐसे, ये इसकी प्रैक्टिस आपको सिंपल करनी है। जब भी आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, अपने मोहल्ले में खेल रहे हो, तो आपको सिंपल क्या करना है गाइस, आपको ऐसे ऐसे हाथ काटना है पीछे की साइड। लेग कटर थोड़ा आसान है, ऑफ कटर में आप ऐसे कर सकते हो, ऑफ कटर में आप सिंपल ड्रिल ऐसे कर सकते हो ऐसे, और लेग कटर में आपको ऐसे करनी है, आप दो कदम से खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस करो ऐसे। आपको अपने माइंड को समझाना है, इस माइंड को जितना जल्दी आप समझा लोगे कि ऐसे रोटेशन होता है उतना अच्छा आप कटर लगा सकते हो। और लेग कटर गाइस इतना आसान नहीं है टेनिस बॉल से लगाना और मारना, बैट्समैन इसे आसान तरीके से नहीं मार सकता क्योंकि पड़के बाहर निकलेगा, पड़के बाहर निकलेगा। अगर आप राइटी को बॉल डाल रहे हो तो उसका आप पड़ेगा बाहर निकलेगा। टेनिस से क्या करते हैं, सब ऐसे हिट करते हैं तो पड़के बाहर निकलेगा, खड़ा बॉल ऊपर खड़ा होने का चांस उतना ही ज़्यादा है। ऑफ कटर आप लेफ्टी बैट्समैन को लगा सकते हो, तो ऑफ कटर और लेग कटर में ध्यान क्या रखना है, आप फिंगर जितना अच्छा रोल करोगे, आपको पेस कम नहीं करना है, पेस कम करेंगे वो भी एक स्लोर वन होती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको तेज बॉलिंग में ही करना है कटर, आपको ऐसे करना है, तेज बॉल फेंकना है, सिर्फ आपको फिंगर अपनी घुमानी है सिर्फ तेज बॉल में, पेस आपका 1-2% कम होगा, ज़्यादा पेस कम नहीं होगा, और ऑफ कटर में भी लेग कटर में। अब अगर आपको स्लो डालनी है ऑफ कटर और लेग कटर, उसमें आपको क्या करना है, उसमें गाइज आपको सिर्फ अपनी रिस्ट अपना थोड़ा स्लो करना है। जब आप यहाँ से छोड़ोगे तो रिस्ट की पोजीशन थोड़ा स्लो होगा, रिस्ट आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी आगे की साइड, थोड़ा स्लो करना है, उससे आपका कटर भी हो जाएगा। आपको ज़्यादा स्लो नहीं करना है, थोड़ा स्लो करना है, उससे आपका स्लो हो जाएगा बॉल और वो सामने से कट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बॉल है गाइस, अगर आपको टेनिस बॉल से महारत हासिल करनी है ऑफ कटर और लेग कटर, क्योंकि अगर आप सिंपल तेज बॉल फेंक सकते हो उसका मारना ज़्यादा आसान है। इसके साथ आपको पिच कहाँ करनी है ये भी ध्यान रखना है, आपको पिच हमेशा 3/4, आपको ये लाइन में पिच करनी है, पिच हमेशा 3/4 आपको ये लाइन में पिच करनी है, यहाँ से मारना इतना आसान नहीं होगा। तो गाइस आपको इस लाइन में पिच करनी है, आप देख सकते हो बैट्समैन से दूर, जितना आप बैट्समैन से दूर पिच करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको सिंपल मैंने बता दिया, प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है, सिर्फ दो कदम से करो स्टार्टिंग में, फिर आप भाग के भी कर सकते हो क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा धीरे धीरे। लेग कटर थोड़ा मुश्किल है, आप उसको 15 डेज में सीख सकते हो, आपको सिर्फ ऐसे रोल करनी है, आप कहीं भी डाल सकते हो, ये रोल करनी है आपको, आपको हमेशा रोल ये करनी है, ये ध्यान रखना है। आप जितना अच्छा रोल करोगे उतना अच्छा आपका कटर डलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दो बॉल डाल के भी दिखाता हूँ कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप भाग के रनअप ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आपको
इम्प्लीमेंट नहीं होगी आप जब बोल डालोगे, धीरे धीरे आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो